लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। आखिरकार करीब 6 महीने के बाद सरकार ने दी अनुमति अनलॉक 4 में और सरकार की नई गाइडलाइन जारी की। जी हाँ, अब 30 सितंबर से नियम शर्तों के अनुसार खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। क्या हो पाएगा कोरोना से बचाव, देखिए वॉइस टीवी की JS यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव यादव के साथ यह रिपोर्ट। जी हाँ, आखिरकार सरकार को आया बच्चों की शिक्षा का ख्याल और जारी की नई गाइडलाइन। बता दें, अनलॉक 4 में सरकार ने बताया है कि अब खुलेंगे स्कूल कॉलेज, और साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि करना पड़ेगा स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट को सरकार की गाइडलाइन का पालन। बता दें, अनलॉक 4 की गाइडलाइन में सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक वर्क कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से 50% तक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। यह ऑनलाइन कक्षाओं और टेली काउंसलिंग समेत अन्य काम कर सकेंगे और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को सुरक्षित आधार पर जाने की अनुमति होगी। स्कूलों को इसके लिए बच्चों के माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए IIT और IIM जैसे तकनीकी प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान और PhD जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए SOP जारी करेगा। विगत करीब 6 महीने से कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूल कॉलेज 30 सितंबर से खुलेंगे, मगर किस तरह कोरोना से किया जाएगा बचाव? फिरोजाबाद जिले की एकमात्र JS यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव सुकेश यादव ने रखी, जिनका सपना था कि फिरोजाबाद जिले के छात्रों के लिए एक खुद की यूनिवर्सिटी हो, इसी सोच पर उन्होंने फिरोजाबाद के शिकवाबाद में मैनपुरी रोड पर करीब 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी स्थापित की, जिससे जिले की जनता को उच्च शिक्षा और जिले से बाहर जाने की परेशानी ना हो। क्या है अनलॉक 4 की स्कूल कॉलेजों के लिए सरकार के दिशा निर्देश, हमारी संवाददाता रीना खान ने जाना सरकार के दिशा निर्देशों के बारे में और की विस्तृत रूप से बातचीत JS कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव यादव से। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, और जैसा कि सरकार की जो गाइडलाइन है अनलॉक 4 की, किस तरह की गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में क्या क्या होगा और खासकर स्कूल कॉलेजेस और शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनको कैसी रियायतें मिलेंगी, किस तरीके से वो तैयारियां कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, तो आखिर जो प्राइवेट टीचर हैं वो किस तरीके से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शिकोहाबाद की JS यूनिवर्सिटी। हमारे साथ मौजूद हैं JS यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर गौरव यादव जी, और सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से, जैसा कि आज का आपका जन्म दिवस है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि सरकार के जो अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया है कि स्कूल जो है यूनिवर्सिटी है वो 30 सितंबर को खोली जाएंगी, तो कॉलेज प्रशासन किस तरीके की तैयारियाँ कर रहा है? देखिए, ये मामला अभी तक लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से जो डायरेक्शंस मिले हैं, हालांकि वो पूरी तरीके से अभी फाइनलाइज मेरे ख्याल से नहीं है, कि 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं करा ली जाएं, और जो बाकी ईयर्स के स्टूडेंट थे उनको UGC द्वारा दी गई गाइडलाइंस के तहत प्रमोट करने की व्यवस्था है। तो इस संबंध में विश्वविद्यालय पहले से तैयारी कर रहा था, और अब हम लोग बिल्कुल फाइनल स्टेज में हैं। हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और विश्वविद्यालय भी इसमें आगे आएँ, और जब उनकी परीक्षाएं होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। परीक्षाएं जो है वो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करना है, छात्रों का सैनिटाइजेशन का कैसे ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें हम इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, वो सारी सावधानियां हम लोग बरतेंगे जो भी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा हम लोगों को दी गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले 6 महीने से कोरोना काल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो
तो पिछले 6 महीने से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है उस पर किस तरीके का असर पड़ा है, आप लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहा है इस कोरोना की वजह से, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उस पर कोरोना का प्रभाव पड़ा है और उसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आए हैं, लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं। अनलॉक 4 में अभी हम हैं, तो इससे पहले तो स्कूल और कॉलेजेस खुलने के लिए बिल्कुल ही मनाही थी कि छात्रों को कैंपस में नहीं आना है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार जो है दिशा निर्देश दे रही है कि कैसे कैसे आपको जो है अपने पुराने ढंग में वापस आना है और किस तरीके से सावधानी बरतते हुए अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स को ओपन करना है या कब से करना है, वो पूरी गाइडलाइंस अनलॉक 4 में आई हैं और उसका हम लोग पूरी तरीके से पालन करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से जो दिक्कतें आई हैं वो मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो अच्छे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो लोग इस प्रॉब्लम को कोप अप कर लेंगे, मेरे ख्याल से उन्हें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अभी जैसे कि सरकार की या कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं आया और वो अपनी कोचिंग खोल रहे हैं चंद पैसों के लिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर सरकार की द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अगेंस्ट अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो वो बिल्कुल निंदनीय है, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए, किसी के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और हमें भी एक बड़ा विश्वविद्यालय होने के नाते ये हमारी पूरी जिम्मेवारी है कि हम उसको किस तरीके से सुचारू रूप से परीक्षाओं की ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसी को कोई समस्या ना हो और जो गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर फॉलो किया जाए। फिरोजाबाद में आए दिन कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि पिछले मिनी लॉकडाउन में 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में 100 मरीज कोरोना से प्रभावित हुए, कोरोना पॉजिटिव निकले, तो ऐसे में आप किस तरीके? ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि इसमें हर व्यक्ति को खुद से जागरूक होना चाहिए। मास्क पहनने के लिए सरकार हमें जागरूकता प्रदान कर चुकी है, वो बता चुके हैं कि आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ऐसे स्थानों पर मत जाइए, पब्लिक जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं या 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं 20 सेकेंड तक। तो ये सारी चीज़ें जो हमें इतने लंबे समय से बताई जा रही हैं, लेकिन क्या इसका हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं ये हमको देखना होगा। क्या हमारे समाज में, हमारी जो शहर में, हमारे ज़िले में इसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ प्रशासन द्वारा ही केवल इसका पालन नहीं कराया जा सकता, सभी लोगों को, छात्रों को, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कृषकों को, हर जगह, तो वहाँ पे भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो सब्जी मंडी हो, कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस है वहाँ पे भीड़ ना जुटे, रेलवे स्टेशंस वगैरह उनके आसपास का नियर बाई एरिया है, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और सभी लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि ये सभी लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। आप लोग किस तरीके से, कॉलेज प्रशासन किस तरीके से अब आने वाले समय में? हम लोग अपना पूरा इंतज़ाम कर चुके हैं, थर्मल स्कैनिंग की पूरी व्यवस्था है हमारे पास, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने पहले से एक वर्क प्लान बनाया हुआ है, सैनिटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोरोना महामारी में, तो हमने हाइपोक्लोराइट का जो सॉल्यूशन आता है उसका पूरा इंतज़ाम कर रखा है, हैंड सैनिटाइजर्स के लिए भी हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है, मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, जो भी इक्विपमेंट्स इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं और आने वाले समय में हम इसका पूरा यूज़ करेंगे। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इस कठिन समय में, इस महामारी के काल में हम सभी लोगों को जागरूक रहना चाहिए और जो भी दिशा निर्देश केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को दिए जा रहे हैं वो हमारे हित में हैं, हमें उनका पूर्णतः पालन करना चाहिए। जो जो चीज़ें बताई गई हैं, टीवी पे प्रचार किया जा रहा है, अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को खुद से जागरूक होकर इसमें आगे आना चाहिए और इसका पूर्णतः पालन करना चाहिए।